उत्तर प्रदेश के चांदपा थाने की सीमा के भीतर हाथरस में 14 सितंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घटना पर बसपा हिंगना विधानसभा की ओर से एक ज्ञापन जारी किया गया है। यूपी के मनीषा वाल्मीकि की घटना बहुत ही अपमानजनक है, क्योंकि अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई और लड़की का शव दोपहर 2:30 बजे उसके माता पिता को न सौंपते उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस संगठन की एक उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और अत्याचार अधिनियम के तहत सरकार और प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए जाने चाहिए और अपराधी को मौत की सजा दी जानी चाहिए। अन्यथा बीएसपी ने चेतावनी दी है कि घटना के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। बीएसपी ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि वो सरकार और प्रशासन कार्यालय को बयान भेजे। इस आंदोलन मामले में किसी भी अप्रिय घटना के लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार रहेगी। इस दरमियान नागपुर जिला सदस्य सुरेश मानवटकर, वाड़ी नेता नरेंद्र मेंढे, हिंगना अध्यक्ष शशिकांत मेश्राम, राजकुमार बोरकर, अमित ताड़े, गौतम मेश्राम, सुधाकर सोनपिपड़े, स्वप्निल ढवळे, वीरेंद्र कापसे, सुभाष सुखदेवे, पंकज फालके, दत्ताबाऊ हुमने, युवराज भांगे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। जो अनुसूचित जाति समाज के लड़के के ऊपर जो बलात्कार हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी जो तोड़ी गई, सातों साथ उसकी जो जीभ काटी गई, वो दिनांक 14/9/2020 को घटना हुई। लेकिन तब से कल तक यहाँ के मीडिया ने, यहाँ के पुलिस, उत्तर प्रदेश के पुलिस शासन ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी। सातों साथ वो लड़की को दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट किए और कल वो लड़की चली गई। इतना होने के बाद में वो उत्तर प्रदेश के पुलिस ने किसी प्रकार के आरोप को पकड़ने की कोशिश नहीं की और रात के तीन बजे के करीबन वो लड़की की लाश किसी परिवार को साथ में नहीं लेते हुए, ना अग्नि अंतिम संस्कार के वक्त उनके परिवार को साथ में नहीं लिया गया। दिनों दिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे गरीब समाज के ऊपर, हमारे ओबीसी समाज के ऊपर, हमारे एससी समाज के ऊपर, हमारे आदिवासी समाज के ऊपर दिनों दिन उत्तर प्रदेश की मनुवादी जो सरकार है, ये दिनों दिन अत्याचार कर रहे। आज भी उसी प्रकार की घटना हो गई। बहुजन समाज पक्ष के माध्यम से हम उनका निषेध करते, आज माननीय वाड़ी पॉलिटिशियन के पुलिस निरीक्षक राजेंद्र जी पाठक, इनको हमने निवेदन दिया। अब कल फिर से हम नागपुर जिले के कलेक्टर, इनको भी निवेदन देने वाले है। साथों साथ इस देश के गृह राज्य मंत्री जो अमित शाह, जिनको गुंडा राज बोलते हैं, वो गुंडा राज को भी हमने निवेदन भेज रहे हैं। और साथों साथ महाराष्ट्र के जो गृह राज्य मंत्री है अनिल बाबू देशमुख, उनको भी हम निवेदन दे रहे हैं। अगर इतना होने के बाद में आरोपी को अगर अटक नहीं किए, उनको फांसी की शिक्षा अगर नहीं हो गई, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम तीव्र आंदोलन करने वाले हैं। उसके बाद में जो भी परिणाम होगा, वो शासन प्रशासन ये इसकी खबरदारी ले। बहुजन समाज पार्टी हिंगना विधानसभा तर्फे आज वाड़ी पुलिस स्टेशन इथे हादसर या घडलेल्या घटनेचा निषेध करून आम्ही इथे आज वाड़ी चेहरामध्ये वाड़ी पुलिस स्टेशनला निवेदन दिलेला आहे। आणि जे हादसर ह्या यूपीमध्ये जे दलित लोकांवर शोषण होऊ राहिला, बलात्कार होऊ राहिलेला आहे, त्याचा उत्तर प्रदेशचे जे सरकार आहे याचा धिक्कार आहे, निषेध करतो आम्ही बहुजन समाज पार्टी हिंगना विधानसभेच्या तर्फे। मी शशिकांत मेश्राम, हिंगना विधानसभेचे अध्यक्ष, आणि तिथल्या उत्तर प्रदेशामध्ये जे घडू राहिलेलं आहे, दिनवदिन घडू राहिलेलं आहे, याचं कुठल्याच प्रकारचं न्याय मिळू ना राहिला, त्यासाठी बहुजन समाज पार्टी ह्या वाडी शहरामध्ये तीव्र आंदोलन करणार आहे, असं मी आवाहन करतो। जय भीम। आज वाडी पोलीस स्टेशनमध्ये पाठक साहेबांना निवेदन देण्यासाठी हिंगणा विधानसभेचे अध्यक्ष शशिकांत मेश्राम, त्याचप्रमाणे नरेंद्रजी मेंढे, सुरेशजी मानवटकर आणि इतर एक मेश्रामजी, हे सर्व मंडळी हिंगणा विधानसभेचे सर्व पदाधिकारी एकत्र येऊन निवेदन देण्यासाठी आलोत। या ठिकाणी खास सांगायचं म्हणजे असं की उत्तर प्रदेशामध्ये प्रत्येक महिन्यामध्ये नव्हे तर प्रत्येक दिवशी एक एक घटना घडत जातो आणि ही घटना दुर्दैवी आहे। त्या बहुजन
बांधवातील जी आमची महिला होती, आमची मुलगी होती, तिच्यावर जो बलात्कार झाला हा मोठा निंदनीय आहे। आणि या निंदनीय प्रकरणामध्ये हिंगणा विधानसभेच्या माध्यमातूनच नव्हे तर पूर्ण नागपूर जिल्ह्याच्या माध्यमातून आम्ही त्याला निषेध करतो आणि भविष्यामध्ये अशा घटना नाही झाल्या पाहिजेत याची दखल प्रशासनाने आणि शासनाने घ्यावी, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने सुद्धा तीव्र आंदोलन छेडेल अशी आपणास निवेदन करतो आहे।